जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों 10 सितंबर ओके जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों 10 से बीएड सेकेंड ईयर के और 14 से बीएड फर्स्ट ईयर के होने वाली बीएड की परीक्षाओं से संबंधित आपके परीक्षा केंद्र के नाम घोषित कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय ने जारी कर दिया कि आपका एग्ज़ाम्स कौन से कॉलेज में होगा। तो आइए शुरू करते हैं और वन बाई वन देखते हैं कि आपका एक सेंटर कहाँ पे है, बाकी आपके कॉलेज का नाम क्या है। आप कमेंट में बताइए, वहाँ पे भी आपको बता दिया जाएगा। तो सबसे बात के पहले बात कर लेते हैं कि किन बच्चों का एग्ज़ाम अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में होगा। तो जो बच्चे झुंझुनवाला, शिवकाल बुद्ध शिवा और आदर्श महिला विद्यालय यानी कि माँ वैष्णो देवी भगवती भी इन विद्यालयों से जो पढ़ते हैं सॉरी इन महाविद्यालयों से जो बच्चे पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम अवध के कैंपस में होगा। और दोस्तों यहाँ पे आईटी परिसर में होगा, ठीक है। और जो बच्चे इन महाविद्यालयों से पढ़ते हैं उनका आवासीय परिसर दीक्षा भवन अवध विश्वविद्यालय के कैंपस में होगा। और जो बच्चे इन महाविद्यालय से, ये बड़े बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पे आते हैं, वो है साकेत महाविद्यालय अयोध्या में जो स्थित है। तो साकेत में कौन कौन से बच्चे हैं, पहले तो साकेत का स्वयं परमहंस कॉलेज, दीवानसी गर्ल्स परमहंस डिग्री कॉलेज, राम जानकी नंदनी नगर पीजी कॉलेज, महिला शिक्षण पीजी कॉलेज, रुदौली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, श्री राम जानकी महाविद्यालय, ग्रामोदय महाविद्यालय, अभिनव कॉलेज ग्रामोदय और MJS स्मारक प्रशिक्षण महाविद्यालय नंदीग्राम, और श्रीमती विमला सिंह वीमेन और शिव कुमारी महिला और शिव सावित्री। तो ये सारे जो महाविद्यालय हैं इनका एग्ज़ाम कहाँ होगा दोस्तों, साकेत महाविद्यालय में होगा। और बाकी की और भी महाविद्यालय हैं दोस्तों, जैसे सावित्री मई, आप यहाँ पे देखिए 24, जी हाँ 24 महाविद्यालयों का सेंटर साकेत में गया है, यानी कि साकेत में बहुत अच्छी खासी भीड़ जुटने वाली है। तो आपका महाविद्यालय का नाम कहाँ है और आपका सेंटर कहाँ है, अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं पता तो हम आपको बता देंगे वहाँ पर। अब बात कर लेते किन बच्चों का, श्री परमहंस शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय विद्याकुंड अयोध्या में गया है। तो जो ये विद्यालय के महाविद्यालय के बच्चे हैं इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टोटल 40 महाविद्यालयों का सेंटर कहाँ गया है दोस्तों, टोटल 40 महाविद्यालयों का सेंटर गया है श्री परमहंस में। तो चलिए कॉलेज की नाम देखना नहीं, आप हमें कमेंट में बताएंगे तो उस हिसाब से बता दिया जाएगा कि श्री भीखादास का परमहंस में गया है, संत परमहंस का परमहंस में, श्री राम गुलेरी का परमहंस में गया है। तो ये वो महाविद्यालय हैं जिनका एग्ज़ाम सेंटर परमहंस में गया है। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर तक आ गया, एग्ज़ाम डेट शीट तक आ गया, उठो कब उठोगे, कब पढ़ोगे, कब जागोगे, लगा दो अपनी पूरी मेहनत, क्योंकि आपकी ये जो मेहनत है वो आपके अंक पत्र पे नंबर के रूप में दिखाई देंगे। अब हम थोड़ा बात कर लें तो किसी और अन्य चीज़ों के, अगर हम अकबरपुर की बात करें तो BNKBPG कॉलेज में भी इन सारे महाविद्यालयों के 25 महाविद्यालयों के सेंटर गए हैं, वो अंबेडकर नगर अकबरपुर में। और अगर अन्य महाविद्यालय की बात करें तो TNPG कॉलेज टांडा में भी 10 महाविद्यालयों के बच्चों का सेंटर गया है, और बाबा बरुआ दास PG कॉलेज आश्रम अंबेडकर नगर में भी 10 महाविद्यालयों का सेंटर गया है। और दोस्तों 8वां सेंटर रामबाई राजकीय महाविद्यालय में भी 9 महाविद्यालयों का सेंटर गया है, और आचार्य नरेंद्र देव किसान PG कॉलेज गोंडा में भी 6 महाविद्यालयों का सेंटर गया है, और एक गोंडा की LBS PG कॉलेज में भी 11। तो इस प्रकार से दोस्तों ये सारे आपके एग्ज़ाम सेंटर की डेट और एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई है। तो दोस्तों आपका कॉलेज कौन सा है, महाविद्यालय कौन सा है और आपका सेंटर कहाँ गया है, कमेंट में बता दीजिए, कि देखते हैं कि कितने बच्चों का सेंटर एक जगह पर मैच होता है, फिर आप लोग आपस में वहाँ पर अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा, वहाँ पर कोई नकल की तो गुंजाइश ही नहीं है। देखिए किसी भी महाविद्यालय में कोई नकल की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आपके BEd का पेपर है, किसके पास इतना टाइम है कि आपको बताएगा, जो आपको आता है वही लिखिए, नहीं आता है तब भी वही लिखिए, आपको कोई दूसरा बता नहीं पाएगा। तो बट उठिए, अब इंतज़ार नहीं, अब जो 3 दिन बचे हैं सेकेंड ईयर वालों के और 7 दिन जो बचे हैं फर्स्ट ईयर वालों के, अपना 100% दीजिए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। और दोस्तों सेंटर के बारे में कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बताइए, और अब तो एग्ज़ाम होना है तो आप अच्छे से दीजिए। दोस्तों आपने फ़ीस दिया है, पढ़ाई करी है, इसका आपको डिग्री लेना है, तो बस यहाँ से भिड़ जाइए दोस्तों, एग्ज़ाम दे के आइए, अच्छे से पास होकर आइए, अच्छे नंबर लेके आइए, फिर मिठाई हमें खिला दीजिएगा बाद में। चलिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, ये छोटी नहीं बहुत बड़ी सूचना थी कि आपके परीक्षा केंद्र निर्धारित हो गए हैं। तो मैं ये फोटो, ये PDF तो ऑलरेडी टेलीग्राम में दोस्तों ने भेज दिया है, अगर आपको नहीं मिला तो टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, जुड़िए, और बस लास्ट के 1 हफ्ते बचे हैं और ये अंतिम प्रहार करना है और बहुत अच्छे नंबर से खुद को पास करना है। जय हिंद जय भारत दोस्तों।